हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटी पार्लर कोर्स की 9th क्लास, और आज मैं बताने वाली हूँ मेकअप के बारे में। मेकअप में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहले शुरुआती जो मेकअप होता है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं और किस तरीके से लगाए जाते हैं और कौन सी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ फेस, सबसे पहले हम बात करेंगे फेस प्रोडक्ट्स के बारे में कि फेस में कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने, सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और मैं बता देती हूँ कि मैंने अपने चैनल पे पार्लर कोर्स की एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ और आगे बनाऊँगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए और आगे की वीडियो के लिए अपना मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब शुरू करते हैं हम अपना आगे का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हमें फेस प्रोडक्ट में हमें सबसे पहले अपने फेस पे CTM करना होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और CTM का फुल फॉर्म होता है क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। जिन लोगों ने क्लिनजिंग अपना फेस साफ किया है, टोनर यूज़ किया है, तो उसके बाद में सिर्फ आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एवरयूथ का मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ और मुझे ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो अपने जो भी यूज़ करते हैं वो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने मेकअप जो बेस है वो तैयार करने के लिए सबसे पहले अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है दोस्तों। फिर उसके बाद में बारी आती है प्राइमर की। तो मैं यहाँ पे हिलार रोड़ा का ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो ऑयल फ्री है। और आप चाहें तो जो भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्राइमर का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है, मैंने इसका रिव्यू अपने चैनल पे ऑलरेडी दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं मेकअप में सेकेंड नंबर पे आता है प्राइमर। प्राइमर क्या करता है, आपके पोर्स को फील करता है, आपके मेकअप को अच्छा सा बेस देता है ताकि आपका जो फाउंडेशन है बहुत क्लियर तरीके से लग सके। जिस तरीके से हम अपने मकान में जब बनता है तो पुट्टी कराई जाती है पेंट लगाने से पहले, उसी तरीके से प्राइमर अपने फेस पे लगाया जाता है ताकि जब हम फाउंडेशन लगाएं तो बहुत ही अच्छा हमारा फाउंडेशन निकल के आए। तो हमें इस तरीके से अपने, इसलिए हमें इसका प्राइमर का यूज़ करना होता है हमारी स्किन को इवन करने के लिए ताकि फाउंडेशन एक अच्छे तरीके से हम लगा सकें। तो देन हम बारी आती है फाउंडेशन की। हमें मेकअप जब हम प्राइमर लगाते हैं उसके बाद में हमें फाउंडेशन लगाना होता है। लैक्मे की फाउंडेशन यूज़ करूँगी और बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो और इसका रिव्यू मैं आगे दूंगी आपको। तो आप फाउंडेशन यूज़ करेंगे प्राइमर के बाद में, हमें प्राइमर लगाने के बाद में ही फाउंडेशन अप्लाई करनी है। और फिर उसके बाद में जब हम फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे उसके बाद में हमें अप्लाई करना होता है कंसीलर। कंसीलर हमें अपने जो स्कार्स वगैरह है उन्हें लाइट करने के लिए यूज़ करना होता है। और हाईलाइट करने, जो एरिया हमें हाईलाइट करना होता है वहाँ पर हम कंसीलर का यूज़ करते हैं। और देन हमें कंसीलर का यूज़ करने के बाद में अपने जो मेकअप है उसे सेट करना होता है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे, कोई भी मेकअप पाउडर यूज़ कर सकते हैं या आप कॉम्पैक्ट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं अपने मेकअप में। तो चार्ट आप देख सकते हैं, इस तरीके से सीरियल वाइज आपको यूज़ करने हैं जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये मेकअप फेस प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप अपने मेकअप फेस में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से अपना मेकअप रेडी कर सकते हैं। देन आपको काजल, लाइनर, मस्कारा जो भी आपको लगाना होता है आप अप्लाई कर सकते हैं, वो बात की बात है। सबसे पहले अपने फेस मेकअप बेस तैयार करना होता है, तो इन चीज़ों से अपना फेस मेकअप बेस तैयार कर सकते हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक यू।